उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में रविवार को एक दर्दनाक हादसा घटित हो गया। अबागढ़ के थाना क्षेत्र में एक गांव में दो बहनें बंबा में नहाने गईं, लेकिन दोनों डूब गईं। दोनों के शव बरामद हुए हैं। गांव के ही गोताखोरों ने दोनों बच्चियों की डेड बॉडी को बंबा से बाहर निकाला है। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। गाँव से इस घटना में मातम सा पसर गया। यह घटना अबागढ़ थाना क्षेत्र के गांव रुद्रपुर की है। नहर में पानी का जल स्तर अधिक होने से बंबा में भी जल स्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से दोनों बच्चियों की डूबकर मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। बालिकाओं के शव सड़क पर रखकर बाईपास किला रोड को जाम कर दिया। मौके पर पुलिस और आला अधिकारी पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को मृतक बच्चियों के परिवार को आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया, जिसके बाद समझा बुझा कर जाम खुलवाया गया। सर, आज रुद्रपुर गांव में आपका दौरा हुआ है, क्या मामला है, पूरी जानकारी क्या है? दो बच्चियां हैं, नीरू और रानी नाम से जी, वो जो है नाले में डूब के उनकी मृत्यु हो गई है। तो उसी के निरीक्षण के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ गाँव में। और जो पिछले 2-3 दिवस में भारी बारिश हुई है, उसके कारण जो है वो रास्ता कट गया है और वहाँ पर काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया है जिसमें बच्चियाँ डूब गई थी। तो अभी आश्वस्त किया है कि उस रास्ते को जो है उसकी मरम्मत करा के पानी निकासी का एक उचित माध्यम बनाया जाएगा अभी यहाँ पर। उसके अलावा जो भी प्रशासनिक मदद की जा सकती है, किसी प्रकार का अगर किसी सरकारी योजना में इनको लाभ मिल सकता है तो वो दिया जाएगा, और अगर किसी तरह का आवंटन किया जा सकता है कृषि या फिर आवासीय तो वह भी जरूर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? देसी। हाँ, क्या मामला हुआ है? नाले में लड़की डूबी तो मर गई, तो आगे सकी जी। और 11 बजे तो फोन कर रहे, पुलिस वाले फोन कर रहे, प्रधानी फोन कर रहे, पर SDM साहब नहीं आए थे। अब आपने यहाँ पर जाम किस लिए लगाया था? इसीलिए लगा, संतना जाके मैं लगा हुआ, अधिकारी नहीं सुन रहे थे इसलिए। एटा से लखन कुमार यादव की रिपोर्ट।